कहा था कि बीजेपी के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू, चित भी मेरी पट भी मेरी, एक तरफ विपक्ष और दूसरे तरफ सत्ता पक्ष, क्या बीजेपी बताएगी कि ये कौन सा घिनौना खेल है? और जिन लोगों ने कहा कि छठ के बाद राष्ट्रपति शासन लगाएगा, उनको बताना चाहिए कि ये जानकारी आपको कहां से मिली और आपने ये तय कर दिया कि बिहार के 11 करोड़ 33 लाख लोगों का 30 सालों में आप बड़े भाई छोटे भाई ने इस्तेमाल किया। पटना के गुनहगार हैं, 14,000 करोड़ रुपया आपने घोटाला किया है। नीतीश कुमार की सरकार 2009 से 19 के बीच, 6 से लेकर के 18 तक सीएजी की रिपोर्ट है कि 864 करोड़ रुपया जो नगर निगम का बजट है उसके 3 हिस्से पैसे इन लोगों के घर गए, 6,000 करोड़ रुपया जो सीवरेज पर खर्चा है उसका टोटल पैसा नेता पदाधिकारी और ठेकेदारों में बंदर बांट हुआ, जो कॉन्ट्रैक्टर्स का बाढ़ हो गया था उसे टेंडर दिया गया बिना डीपीआर का, टेंडर दिए गए काम दिए गए और नेताओं के नाती बेटा मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक के परिवार को पटना के नगर निगम में लूटने की आजादी दी गई। यह बात सीएजी की रिपोर्ट में है जो मैंने माननीय न्यायाधीश महोदय के पास रखा है कि न्यायाधीश महोदय के नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और अविलंब यह सरकार जिसने मारा है, जो इस बिहार के दुश्मन हैं, इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इन्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। पटना में आम आदमी की जिंदगी को तरपा दिया है, आत्महत्या पर मजबूर किया है। इन लोगों पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। इन लोगों पर 5,000 करोड़ रुपया जो बर्बाद हुए हैं उस पर जुर्माना होनी चाहिए। कौन लौटाएगा 5,000 करोड़ रुपया? ये लड़ाई है, ये लोग दोनों मिले हुए हैं और पटना को मरने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मजबूर किया। हम ये लड़ाई मगध के धरती से शुरुआत करने की हम शुरुआत चाहते हैं कि मगध की धरती को मैं वचन देता हूं और विश्वास के साथ कहता हूं, 2 साल के अंदर पूरा मगध विश्व के हेरिटेज में सबसे ऊपर होगा, रामराज होगा मगध की धरती पर, गरीबी का नामो निशान मगध से हम मिटाएंगे और मगध बिहार को दिशा देगा। मैं आपसे ये इतिहास लिखने आए, आज मगध पानी के लिए तरसता है, आज मगध रोटी के लिए तरसता है, आज मगध रोजगार के लिए तरसता है, मुट्ठी भर लोगों के पास। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि अविलंब यह सरकार इस्तीफा दे, अन्यथा इसी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सर, जूनियर डॉक्टरों के द्वारा गया पत्रकारों पर हमला जम रहा। सर, मुझे दुख है, मैं ये कंप्लेन ऊपर भी कर चुका हूँ, डॉक्टर्स को अपना आचरण बदलना चाहिए, खासतौर पर जूनियर डॉक्टर। जिस तरीके से पत्रकार बंधु पर हमले हुए हैं उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और पत्रकार के लड़ाई में पप्पू यादव अपने को सम्मिलित करता है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं इसके लिए आज डीजी से रात में मिलूंगा और निश्चित रूप से इस पत्रकार के केस हो, चाहे बलात्कार का केस हो, जिस पर यहाँ की प्रशासन गंभीर नहीं है, दोनों मुद्दे को मैं आज डीजी से बात करूंगा।